नमस्ते बच्चों, मैं मुनी कुमारी जी की स्कूल हिंदी अध्यापिका आज आपके लिए लेकर आई हूँ सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ओ की मात्रा। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं ओ की मात्रा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट लेसन है ओ की मात्रा। इसका सिंबल इस तरह से होता है कि एक डंडी आधी मात्रा और उसके ऊपर से एक मात्रा होती है ओ की मात्रा, जिसे बोलते हैं, और ये सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, इसमें भाषा की ओर चलते हैं। अक्षर के बाद ओ की मात्रा लगाने पर उस अक्षर का उच्चारण ओ की ध्वनि के साथ होता है। यानी क्या कह रहे हैं कि अक्षर के बाद यदि ये वाली मात्रा लगती है तो उस अक्षर के ध्वनि हमें ओकार के साथ ओ ओ ओ साउंड की तरफ होना चाहिए। जैसे क प्लस ओ को, क प्लस ओ को, ग प्लस ओ गो, माँ प्लस ओ मू। इसी तरह अन्य वर्ण भी देख लेते हैं, ना प्लस ओ नो, ज प्लस ओ जो, इस तरह से। तो बढ़ते हैं हम अपने टीचर्स नेम की ओर। तो देखिए, पहले हमारा है ग प्लस ओ गो भी, गो भी, गो भी। गोभी का अर्थ होता है कॉलीफ्लावर, जिसे कि फूल गोभी भी कहते हैं, जो फूल के आकार में होता है, बच्चे इसे खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है म प्लस ओ मू र, मू र, मू र, मोर। मोर का अर्थ होता है पीकॉक, इसे हिंदी में मयूर भी बोलते हैं, नीलकंठ भी बोलते हैं। मोर हमारे देश का राष्ट्र पक्षी है, बहुत ही सुंदर पक्षी है, देखने बहुत सुंदर लगता है, इसके पंख बहुत ही सुंदर होते हैं। तो ये हो गया मोर, मोर, जिसे इंग्लिश में पीकॉक कहते हैं, पी ई ए सी ओ सी के, पीकॉक। नेक्स्ट हमारा त प्लस ओ तो, त प्लस आ ता तो, ता, तोता का अर्थ होता है पैरेट, पी ए आर आर ओ टी, पैरेट। तो पैरेट तोता हल्के ग्रीन रंग का होता है, जिसकी चोंच लाल रंग में होती है, और इसे हम अक्सर पालते हैं और ये हमारी नकल भी करता है। तो तोता, तोता सबसे सुंदर पक्षी भी होता है। नेक्स्ट है क प्लस ओ को ट, को ट, को ट, कोट। तो ये हमारा कोट है, जिसे इंग्लिश में भी कोठी बोलते हैं, जो कि शादी शादी वगैरह या फिर इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है तो हम पहनते हैं कोट, राइट। नेक्स्ट है ग प्लस ओ गो ल, गो ल, गोल, गोल यानी राउंड, गोल का अर्थ होता है राउंड, राउंड एंड राउंड। नेक्स्ट है ल प्लस ओ लो म ड प्लस ई डी, लो म डी, लो म डी, लोमड़ी, लोमड़ी का अर्थ होता है फॉक्स, जो कि जंगल में रहता है, बहुत ही चालाक प्राणी रहता है। नेक्स्ट है ध प्लस ओ धो, ब प्लस ई बी धो बी, धो बी, धोबी का अर्थ होता है कपड़ा धोने वाला, वॉशर मैन, डब्ल्यू ए एस एच ई आर, वॉशर मैन, एम ए एन मैन, वॉशर मैन, जो हमारे मैले कपड़ों को धोता है। नेक्स्ट है क प्लस ओ फो य ल, को य ल, कोयल, कोयल काले रंग का होता है, इसकी आवाज़ बहुत ही मीठी होती है, कोयल, इंग्लिश में इसका अर्थ होता है कुकू, सी यू सी के ओ ओ, कुकू। नेक्स्ट है ढ प्लस ओ ढो ल क, ढो ल क, ढोलक, जो कि अक्सर शादी ब्याह में बजते हैं, ढोलक, ड्रम, डी आर यू एम, ड्रम। तो ये थे हमारे ओ की मात्रा। आपको समझाने के लिए मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है कि कहाँ कहाँ ओ की मात्रा आ रही है और उसे किस तरह उच्चारण किया जाता है। जैसे यहाँ पर आ रही है तो ग में ओ की मात्रा लगा गो, गो भी, गो भी, मो र, मोर, तो ता, तो ता, को ट, कोट, गो ल, गोल, लो माडी, लो मड़ी, धो बी, धो बी, को य ल, कोयल, ढो ल क, ढोलक। तो इस तरह से हमें जोड़ जोड़ कर ओ की मात्रा पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बुक एक्सरसाइज की ओर, जो कि है मात्रा जोड़कर लिखिए। तो जिस जिस मात्रा के बारे में हम पढ़ते हैं उस मात्रा को जोड़कर आपको लिखना आना चाहिए। तो पहला हमारा है म प्लस ओ मू, जैसे परिभाषा में बताया गया पहले ही, वर्ण के बाद में, बाद में यानी इसके बाद,
एसी वाली मात्रा एक डंडी और ऊपर एक डंडी, मो ज प्लस आ जा, मोजा। मोजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? सॉक्स, जो कि हम स्कूल पहनकर जाते हैं, मोजा सॉक्स। नेक्स्ट है हमारा घ प्लस ओ घो, ड प्लस आ डा घोड़ा, घो डा घोड़ा। घोड़ा का अर्थ होता है हॉर्स, जो कि अस्तबल में रहता है, भागने में बहुत ही तेज भागता है, घोड़ा। नेक्स्ट है ल प्लस ओ लो, ट प्लस आ टा लो टा लोटा। लोटा का अर्थ एक तरह से जग की तरह था, लेकिन वो पहले ज़माने में लोटा जो कि इस तरह से हुआ करता था, छोटे से मटके के आकार में, जिसमें लोग पानी लेकर जाया करते थे, लोटा। नेक्स्ट है हमारा ब प्लस ओ बो त ल, बो त ल बोतल, बो त ल बोतल। बोतल का अर्थ होता है बॉटल, जिसमें हम पानी पीते हैं। नेक्स्ट है ल प्लस ओ लो मा, ड प्लस ई डी, लो मा डी लोमडी। लोमड़ी का अर्थ होता है फॉक्स, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट है हमारा म प्लस ओ मू, च प्लस ई ची, मोची मोची मोची, जो कि जूते चप्पल सीते हैं या फिर बनाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कॉबलर भी कहते हैं, कॉबलर। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ मोजा, घोड़ा, लोटा, बोतल, लोमड़ी और मोची। नेक्स्ट है हमारा ओ की मात्रा लगाकर शब्द बदलिए, यानी कि पहले से ही आपको एक शब्द दिया गया है, उसमें ओ की मात्रा लगाकर उसके अर्थ को ही चेंज कर देना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए पहले हमारा दिया गया है म में आ की मात्रा लगी है मार, मार। यदि इसमें ओ की मात्रा लगाते हैं हम, तो म में ओ की मात्रा लगा मू र मोर, राइट। या फिर एक और बनाते हैं मा, इसमें ओ की मात्रा लगाते हैं मारो, यानी कि पीटना। नेक्स्ट है काट, काट काट, तो काट में अगर ओ की मात्रा लगाते हैं तो को ट कोट, राइट। नेक्स्ट एक और जोड़ते हैं हम का, ट में लगा के देखते हैं क्या वर्ड बनता है, टो काटो, यानी कि कट करना। नेक्स्ट है शोर, श में ओ की मात्रा शो र शोर, जिसका अर्थ होता है आवाज़। अगर हम इसी की तरह इसमें भी अगर डाल कर देखें तो शारो हो जाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं बनता, ये मीनिंगलेस है, ठीक है, तो इसे हम नहीं जोड़ेंगे। तो ये वर्ड हमारे लिए यूज़ के लिए है शोर, बस। नेक्स्ट है हमारा म में ओ की मात्रा लगाते हैं मो ल मोल, मोल का अर्थ होता है प्राइस। नेक्स्ट है च में र की मात्रा लगाते हैं चो र चोर, चोर यानी कि थीफ। एक और लगाते हैं चा रो चारो, चारो का अर्थ होता है चार जन का प्लूरल चारो, या फिर चारा का भी होता है चारो भी होता है। नेक्स्ट, तो ये थे हमारे ओ की मात्रा, जो कि बुक एक्सरसाइज से लिए गए हैं। होप आपको समझ में आया होगा, इसे अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिए बच्चों, ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो ये थे हमारे ओ की मात्रा बच्चों, होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लेंगे औ की मात्रा। तो धन्यवाद बच्चों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।